जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब यदि बेसिक चीज़ें आती है वीडियो में, हम जानेंगे कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि फोल्डर बनाना भी नहीं जानते हैं, तो उन सबके लिए ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होगी। यदि आप भी जानते हैं तो कुछ चीज़ें हम इसमें ऐसी बताएंगे जो कि आप भी न जानते हों। भले ही आप सिस्टम में बहुत कुछ जानते हो बट ये चीज़ें हो सकता है आप न जानते हो, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो है बताएंगे आपको कि फोल्ड क्या क्या है, आज की वीडियो में जानेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक फाइल खोल के दिखा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि फोल्डर, एक नया फोल्डर बनाना, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना, जैसे हम किसी कोई फोल्डर बनाए उसके अंदर फोल्डर बनाएंगे, फिर उसके अंदर फोल्डर बनाएंगे इस तरह से, फिर बिना नाम का फोल्डर बनाना कि यदि कोई फोल्डर है उसको हम बिना कोई भी नाम नहीं देना चाहते हैं तो उसको हम कैसे बनाएंगे, फिर अलग अलग जगहों पर जैसे कि हम सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, फिर या अलग अनदर किसी ड्राइव में हम जो फोल्डर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, ये चीज़ें हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, उसके बाद से जो है हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो है हमारा सबसे पहले डेस्कटॉप ओपन है, तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाना जानेंगे। तो उसके लिए आपको जो है अपने जो है माउस की से राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश वाली जो आप रिफ्रेश करते हैं ये वाली विंडोज देखेंगे आपके सामने खुल के आ जाएगी। अब उसके बाद से आपको नीचे आ जाना तो आपको न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। इस न्यू वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में एक जो है अनदर बॉक्स खुल के आ जाएगा आपका जो है पॉपअप की तरह। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे बट हमको जो है फोल्डर बनाना है तो हम इस फोल्डर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम फोल्डर पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारा फोल्डर एक बन के आ जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और इस फोल्डर का नाम एक बाय डिफ़ॉल्ट हमको न्यू फोल्डर मिलता है। यदि हम फिर से एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उसका देखेंगे आप नाम जो है फिर से वही हमको मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ से एक और नया फोल्डर बनाते हैं तो यहाँ से देखेंगे उसका जो है यहाँ पर हमारा जो एक नाम मिला न्यू फोल्डर, दूसरे का मिल गया न्यू फोल्डर टू। तो ऐसा जो है हमको बाई डिफ़ॉल्ट नेम भी इसमें मिलता है। और इसको आप यदि रीनेम करना चाहते हैं तो इस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो है रीनेम पर क्लिक कर देना है। तो रीनेम पे क्लिक करके आप जो भी यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको जो है यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ जो भी, यहाँ से देखेंगे इस तरह से जो है आप लिख के बाहर जैसे ही प्रेस करेंगे ये चीज़ें देखेंगे आपको जो आपने लिखा यहाँ पर जो है सेव हो गई। फिर इसमें भी इसको यदि आप नाम देना चाहते हैं तो इसके लिए आप कीबोर्ड्स की से F2 प्रेस करेंगे तब भी आप इसको रीनेम कर सकते हैं। F2 प्रेस किए और यहाँ पर जैसे हम लिखना चाहते हैं GKP, यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं GKP, यहाँ पर उसके बाद से एंटर प्रेस कर देंगे या फिर बाहर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा नाम जो है चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी फोल्डर का जो है नेम जो है चेंज कर सकते हैं। अब हम जानेंगे किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस फोल्डर के अंदर चलते हैं तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और इस फोल्डर के अंदर हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमको न्यू फोल्डर बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको देखेंगे कि बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि ऑप्शन तो कई तरीके से हम यहाँ पर फोल्डर बना सकते हैं, जैसे कि हमने बाहर डेस्कटॉप पर बनाया वैसे भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 3 से 4 तरीके बताऊंगा जिस तरह से आप यहाँ पर नया फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं। उसके लिए पहला जो है राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और यहाँ से एक न्यू फोल्डर बना लेंगे। यहाँ पर देखेंगे जो भी यहाँ पर देना चाहें नाम, जैसे हम दे देते हैं GKP, यहाँ पर GKP1। यहाँ पर देखेंगे GKP2 नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया। अब यहाँ पर एक इस तरीके से आप फोल्डर बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे आपको होम में न्यू फोल्डर एक मिल जाएगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू फोल्डर आपके सामने आ जाएगा और इसका जो है आप नाम जो भी देना चाहें उसको यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम नाम इसका दे देते हैं GKP3। उसके बाद से आपको एंटर प्रेस कर देना या फिर बाहर क्लिक कर देना, आपका नाम जो है सेव हो जाएगा। अगला जो है यदि आप फिर से एक और ट्रिक बताते हैं, कंट्रोल की के साथ शिफ्ट प्लस N आपको प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट N प्रेस करना, उसके बाद से आप जो है नया फोल्डर ऑटोमेटिक बन किया जाएगा। इसमें आप जो नाम देना चाहते हैं उसको आप दे सकते हैं यहाँ से। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर फोल्डर के अंदर कई फोल्डर बना सकते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर जाना हमको फोल्डर बनाना है तो इसको भी हम खोल लेंगे। फिर से यहाँ न्यू फोल्डर पर क्लिक करके भी फोल्डर हम बना सकते हैं, जो भी आप इसका नाम देना चाहते हैं यहाँ से नाम दे सकते हैं या फिर न्यू फोल्डर के नाम से ही रहने दें। तो इस तरह से आप यहाँ पर नया फोल्डर बना सकते हैं, इसके अंदर और भी आप जाके फोल्डर बना सकते हैं, मतलब आप जितना अंदर जाना चाहें
सब फोल्डर बना सकते हैं, किसी भी फोल्डर के अंदर के फोल्डर को सब फोल्डर कहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर अंदर आके जो है इसके दूसरे नाम से फोल्डर जो है आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो फोल्डर बना हुआ है GKP 2 के अंदर FRD नाम से, फिर ये अलग नाम से, अब इसको भी ओपन करेंगे तो इसके अंदर भी आप यहाँ पर देखेंगे इसकी पूरी पाथ यहाँ पर दिखाई देती है कि हम इसको किस फोल्डर के अंदर हैं और मेन फोल्डर उसका कौन सा है। GKP जो हमारा मेन फोल्डर है जो कि डेस्कटॉप पे है। कट करते हैं, अब हम जानेंगे कि जो अगली चीज़ है जो कि हमने फोल्डर बनाना बता दिया, अब यहाँ पर हमने नाम चेंज करना बता दिया आपको, और हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर भी आपको दिखा दें कि अल्ट कंट्रोल शिफ्ट की के साथ एन दबाएंगे तो आपको देखेंगे सीरीज में यहाँ पर जो है नया फोल्डर बनता मिल जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे न्यू फोल्डर 2 आ गया, फिर से कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे तो न्यू फोल्डर यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 आ जाएगा, फिर से करेंगे न्यू फोल्डर 4 आ जाएगा। इस तरह से जो है आप अनदर कई फोल्डर्स बना सकते हैं। चलिए इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर देखेंगे कि अब हम जानेंगे कि एक नया फोल्डर हम और बनाएंगे यहाँ पर, तो उसको जो है हम बिना नाम का बनाएंगे। तो न्यू फोल्डर क्लिक किया, अब यहाँ पर देखेंगे ये न्यू फोल्डर हमारा 5 लिख के आ रहा है। हम यहाँ पर कोई भी नाम न लिखते हैं ऐसे करके, अब बाहर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे इसका नेम जो है ऑटोमेटिकली उठा लेता है न्यू फोल्डर 5। हालांकि देखेंगे कि आप किस प्रकार से जो इसका नाम चेंज नहीं हुआ, पर यदि हम इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए कोड होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, अभी हम आपको बता नहीं रहे आप, इसके लिए हम फिर से एक बार आपको न्यू फोल्डर बना के दिखाते हैं, फिर उसका जो है विदाउट नेम को उसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा न्यू फोल्डर देखेंगे बन गया। अब इसको जो हम इसको रीनेम करने के लिए इस पर पूरे क्लिक करेंगे और इसको टोटल डिलीट कर लेंगे। डिलीट कर लेने के बाद आपको अल्ट की दबाना है, उसके बाद से 255 लिखना और एंटर प्रेस कर देना है या फिर बाहर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है आपका फोल्डर जो है रीनेम हो जाएगा अल्ट की के साथ 255, उसके बाद से यहाँ पर ओके करना है यस। जैसे ही आप करेंगे ये पहले से बना हुआ था उसी नाम से हो जाएगा। इसको मैं डिलीट करके एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखेंगे अल्ट की के साथ आपको 255 लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर देखेंगे इसका कोई भी नाम नहीं है और ये फोल्डर जो है बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से आप बिना नाम का भी फोल्डर बना सकते हैं। जब अलग अलग जगहों पर हमने जा कर के फोल्डर आपको बनाना बताया, जैसे कि सी ड्राइव में भी आप आके यहाँ पर कहीं भी जैसे कि यहाँ पर हमको फोल्डर बनाना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन दबा देंगे, यहाँ पर हमारा फोल्डर बन गया। फिर या फिर किसी फाइल के अंतर्गत जाके हमको बनाना है तो वहाँ पर भी हम जाके ये फोल्डर बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं, बिना नाम का फोल्डर बना सकते हैं। ये चीज़ें आज की हमने वीडियो में जानी और वीडियो कैसी लगी है आप ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।